राहुल गांधी की संसद में सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चोरों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को का शिकार बनाया। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया। जनपद फिरोजाबाद में आज शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष नूरुल हुदा लाला लाइन के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेतागणों ने संसद में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में शहर में गांधी पार्क स्थित पार्क पर सत्याग्रह करते हुए जुलूस निकाला। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह जुलूस गांधी पार्क से होते हुए सेंट्रल चौराहे तक निकाला गया। इस पूरे सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है उसका जवाब मांगा और कहा कि राहुल गांधी सदस्यता खत्म होने से डरने वाले नहीं है। वह उसी परिवार के बेटे हैं जो कभी गोरों से नहीं डरे, तो राहुल गांधी चोरों से कैसे डरेंगे। इंदिरा गांधी राजीव गांधी का बच्चा है, चौके वो हम गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे। इस पूरे जुलूस में कांग्रेस नेता बबलू वर्मा, शोएब खान, सोनू, अजय शर्मा, अशरफ अंसारी, राजेश शर्मा राज, शहनवाज खान, राकेश दिवाकर, एम अंसारी, नदीम कुरेशी, अमन द्विवेदी, सुनीता गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा नाम नूरुल हुदा लाला राय, शहर कांग्रेस सेवा दल का नगर अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चोरों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को का शिकार बनाया, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया। चूँकि जब राहुल गांधी जी चोरों की बात कर रहे थे, जो चोर देश का पैसा लेकर घोटाला कर गए हैं, भाग गए हैं, मोदी जी तुम्हारा क्या रिश्ता है उस पार्लियामेंट में यही बात कही थी, तो उसी दिन से चोर को बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लग गए और राहुल गांधी जी को सदस्यता ख़त्म करने कर दी।